नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के सबके इंटरेस्टिंग बाजार की। जी हां, आपने सही सोचा, स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, अभी आईपीओ के बाजार में छाई बहार से ऐसा रिकॉर्ड बना कि पिछले 10 सालों में जितनी रकम किसी एक महीने में नहीं जुटी वो सिर्फ इस साल के नवंबर में जुटा ली गई। आईपीओ बाजार की सबसे अच्छी सेहत इस साल नवंबर में देखी गई। बीते नवंबर में 9 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 36,720 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई। इसमें से अकेले पेटीएम का हिस्सा ही 18,300 करोड़ रुपए का रहा। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का ऐसा रहा हाल। पेटीएम के आईपीओ को लेकर निवेशकों में खासा रुझान देखा जा रहा था, हो भी क्यों ना। ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था और इसने बाजार से 18,300 करोड़ रुपए की रकम जुटाई। ये दीगर बात है कि इसके शेयरों की लिस्टिंग वैसी नहीं हुई जैसी निवेशक उम्मीद कर रहे थे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस एटीडी 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई, जिसका इश्यू प्राइस 2,150 रुपए था। हालांकि 18 नवंबर को हुई लिस्टिंग में इसके शेयर एनएसई पर 1950 रुपए और बीएसई पर 1955 रुपए पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग के दिन ही 30% तक पेटीएम के शेयर गिर गए थे। दिसंबर में भी आएंगे 10 कंपनियों के आईपीओ। रेटगन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, हेल्थियम मेडटेक, मेट्रो ब्रांड, श्रीराम प्रॉपर्टीज, एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात, वीएलसीसी हेल्थ केयर। दिसंबर में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का अनुमान है कि जो ये 10 कंपनियां आईपीओ ला रही है वो बाजार से करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकती हैं। हालांकि नवंबर में जिस तरह आईपीओ की बाहर रही उसके सामने दिसंबर में पूंजी जुटाने का माप कम लग रहा है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।